नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। उरई जालौन में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य इंद्रजीत सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना की जानकारी देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को पहले से थी, लेकिन समय रहते ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती थी। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री का बयान बहुत ही शर्मनाक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस वहां समाज को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की खुफिया एजेंसियों को मणिपुर जैसी घटनाओं को रोकने पर काम करना चाहिए, लेकिन वो एजेंसियां राजनीतिक दलों के नेताओं के पीछे छोड़ दी गई हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ जो मणिपुर में घटना हुई थी वह बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना पर संसद में भाजपा को घटना की पूरी जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मेदांता अस्पताल में जाकर मशीन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसी मशीन को जालौन के मेडिकल कॉलेज में उद्घाटन करते तो हजारों गरीबों का इलाज में काम आती। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि प्रदेश के किसी भी जिला अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जानबूझकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आया हूं। सड़क को मानक के अनुरूप नहीं बनाया गया। जिस सड़क का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हों उस सड़क पर आज भी काम चल रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाने का मकसद था कि यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन बेरोजगारी और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अन्ना जानवरों की बड़ी समस्या बुंदेलखंड में है, जिसको रोकने के कोई उपाय सरकार ने नहीं किए हैं। सड़क के बीचों बीच खजूर लगा दिए हैं, क्या इससे जानवरों को रोका जा सकता है? उन्होंने कहा कि विपक्ष के गठबंधन इंडिया से भाजपा घबरा गई है। आने वाले चुनाव में भाजपा को इंडिया बड़ी चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि सपा जहां भी मजबूत होगी वहां पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने सपा के संस्थापक सदस्य रहे इंद्रजीत सिंह यादव के बारे में कहा कि सपा ने एक वफादार सिपाही को खो दिया है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इंद्रजीत सिंह यादव ने नेताजी साथ पूरी शिद्दत से पार्टी को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि जब उनकी तबीयत खराब थी तब वे उनको देखने आए थे। इस मौके पर विधायक कालपी विनोद चतुर्वेदी, पूर्व सांसद चंद्रपाल यादव, पूर्व विधायक दीप नारायण यादव, गल्ला व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष पम्मी सेठ, पूर्व विधायक कप्तान सिंह राजपूत, सपा के जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर के अलावा दिवंगत इंद्रजीत सिंह यादव के पुत्र आनंद यादव मौजूद थे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से गोविंद सिंह की खास रिपोर्ट। इंडिया का जब मैच होगा, पाकिस्तान जब इंडिया का मैच होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, अब कहोगे अब कहो पाकिस्तान जीतेगी? नहीं, अब कहो नहीं, अब कहो मोदी जी पाकिस्तान जीतेगी। खत्म हो गया खेल, अब कहीं कुछ है ही नहीं। दाओ निपट गई, खेल खत्म है। 24 में सरकार तो दाव ख्याल रखो ना इनको, दाव का पूरा ख्याल। आज बहुत भगवती थी, दाव को अलग से फोटो इसकी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।